अलग रखो साइड में लगा के इसे खड़ा कर लो, बंद कर लो। हाँ ये रोड की जाँच हो रही है, खड़ा हो जाए मालूम इसको पूरा निकालो, इसको पूरा खोदो है ना। तो बालू बालू कहाँ से निकला है? नहीं बालू तो ये अपन टेस्ट के लिए डाली। अच्छा गड्ढा खुदवाया ना आपने? गड्ढा खुदवाया अभी, उसमें बालू तोल के इसमें डाली अपने, ये बालू वापस निकलवा। लेकिन गौतम जी का ये कहना है कि पानी की मात्रा तो कम हो गई है। वो ये पता लग जाएगा, इसमें पता लग जाएगा। वाली पानी कल 6 महीने पहले डाला होगा, लेकिन आज हम पता लगा लेंगे इसमें। अच्छा क्या डाला कि नहीं डाला, तो इन्हें तो फिर इंजीनियरिंग काय के थे। अच्छा फुहरा मार के चले गए। चल ये निकालो, रेत निकालो, खोद दो। जहाँ क्या हो रही है रोड के वो निकल लगे बच्चे भीड़ में लगा, यदि आप एक तो साइड में कर दिया। जाँच आय हो रही है रोड की, रोड की जाँच हो रही है। खोद अब ये खुद जाए तो बुला लेना, मिट्टी नहीं खोदना है खाली वो। ले फाइल हो चुकी है, नहीं हुई पास किए हैं कि अब जांच हो रही है। नहीं कहने का मतलब ये है कि मतलब अपना बिंदु बताइए ना, आप लोग रहिए अपना बिंदु बताइए कि कहाँ क्या कमी आपके हिसाब से है। कमी तो पूरे रोड है। आइए हम मिलवाते हैं आपको। मिल रहा है अभी, छोड़ दे थोड़ा आपने कर दिया तो चलिए कोई बात नहीं, अदरवाइज बहुत सारे देखो सभी उसी स्टेज पे और उनका कोई ऐसा कंसर्न भी नहीं है। उनका मेन कंसर्न तो डामा रोड मिट्टी का। नहीं वो भी हमारा कंसर्न है ओवरऑल, आप पानी का मेरा कंसर्न है क्योंकि मुझे पता है कि इसमें पानी नहीं पड़ा हुआ है। अपन छोड़ नहीं रहे कोई भी पुल, पुल में जैसे सिंचाई नहीं हुई है, हम सब अच्छी तरह एक बात है, पुल की सिंचाई नहीं, इसमें सिंचाई नहीं हुई है। टोटल इन्होंने हमारे क्षेत्र से 14 टैंकर पानी लिए थे, वो छोटे वाले जो टैंकर आते हैं पंचायती, 14 टैंकर पानी काहे के लिए कोई इशू तो नहीं। 14 टैंकर कुछ नहीं होता है, आप वहाँ से यहाँ भी नहीं 14 टैंकर में डाल सकते। सही बात है। अभी कल ही पे किया हुआ है उनका, साल भर पहले का पैसा पड़ा हुआ था, एक जन से दिलवाया था मैंने। हमारी ये बात हुई थी कि हम पर्याप्त आपको पानी इसमें दिलवा देंगे जितना चाहिए होगा, वो श्रीमान जी सिर्फ 14 टैंकर। देखिए ऐसा है कि इस रोड के इशू को उठा करके हम ये चाह रहे हैं कि ओवरऑल जितनी भी मऊगंज, हाँ मऊगंज में जितनी भी रोडें बन रही हैं, क्योंकि मुझे आइडिया है, मैं क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, गंगे ब्लॉक का तो पूरा आइडिया है, अच्छी रोडें नहीं बन रही हैं। अब इसमें अब हम क्या बताएं, हर रोड के लिए आपके जो CEO साहब थे उनसे हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि हम हर रोड के लिए तो नहीं भेज सकते आपको अलग से, लेकिन हम एक दो रोड के लिए जाँच करवाने के लिए हम भेज सकते हैं, तो इसीलिए आपको उन्होंने भेजा है। काफ़ी लोग भी हैं जो आप लोगों से चर्चा करना चाह रहे थे, तो हमने उनको मना किया, हमने कहा भी जांच हो रही है, जैसे ये सब जो आए थे ना
कि सब रोड के फिर अपना काम रुक जाए। हाँ इसीलिए इसीलिए तो हमने कहा कि रोड के विषय में कुछ बताना चाह रहे थे। हमने आए वो पहले कर ले। हाँ ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट यहीं भर लेना भैया। हाँ यहीं भर के सबसे साइन कराइए, आपके भी साइन कराइए, हमारे भी कराइए, यही रिजल्ट बनेंगे। अभी वो जीएसबी खोद रहे हैं जो भी है आप देख रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा लिबर्टी ले लिया। गर्मी भी बहुत है तो खोदने वास्तव में दिक्कत आती है। फिर स्पेस नहीं ना, अब उनको उसी स्पेस के अंदर नहीं, आगे नहीं, आगे खाली जीएसबी हुई तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे डामर तो हुआ ही नहीं, डामर 3 किलोमीटर तक हुआ है। हाँ उसके बाद तो आप आज ही उसका समय निकाल के आए हैं। कर लेंगे ना अपन, कोई दिक्कत है ना, वही तो क्योंकि इस रोड का कर लेंगे अपन। इसमें भी अभी टाइम लगेगा, हाँ टाइम पुलिया देखना पड़ेगा। वही हाँ राइट, पुलिया देखना पड़ेगा, अभी तो बहुत इशू है इसमें। एक और हमारा कंसर्न ये था इनसे तो यांत्रिकी आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम की, क्या जैसे रोड जो बन रही है और जहाँ बस्तियाँ हैं तो जैसे वहाँ तो पुल बना दिया हमने ठीक है, लेकिन नाली बनाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं नाली वगैरह की, ताकि जैसे इनका मकान यहाँ पे फंस गया भाई, इन्होंने कह दिया कि अब बरसात आ गई है हमारे घर में पानी घुस रहा है और ये नहीं निकल रहा है, सरकार ने हमारी व्यवस्था नहीं करी है, पुल वहाँ पे है उतनी दूर, हम कैसे निकालें पानी? वो श्रीमान जी क्या करेंगे कि इस घर के सामने से ही एक बड़ी सी नाली बना देंगे रोड को काट करके। आप अभी जब आए होंगे, आए तो आपने देखा होगा ये खरियन ने ऐसा कर दिया है। अब उसके इधर भी पुल बना है, इधर भी पुल बना हुआ है, 100 मीटर के दायरे में बना हुआ है, लेकिन उन श्रीमान जी ने ये कार्य कर दिया है, सामने खोद दिया, खोद दिया। और उस दिन बारिश हुई थी, काफी तेज बारिश हुई थी, तूफानी थंडर स्टॉर्म आया था, काफी तेजी से तूफानी बारिश हुई रात में और तमाम भर गया घरों में, तो वो आदमी वहाँ पे खोद दिया। उसने इनको पहले से आगाह किया हुआ था कि आप हमारे इसमें पाइप डाल देना, इन्होंने टाइमली पाइप डाला नहीं और पाइप नहीं डाला तो उसने खोद दिया उसको। हमने उसको मना किया, हमने कहा क्यों तुमने ऐसा किया, तुम इसमें नाली बना सकते थे। तो बोला ये हमारे बगल वाले का घर है, वो वहाँ से पानी नहीं निकलने देंगे, वो बोले वो उनके बगल वाले का है। तो ऐसी स्थितियों में जैसे विभागीय तौर पे जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि लोगों में आपसी थोड़ा तालमेल नहीं होता है, आसपास पड़ोस में विशेष तौर पे नहीं होता है, तो जैसे विभागीय तौर पे वहाँ पे तो कुछ नाली वगैरह तो आदमी बना दे, मतलब ये सोच करके कि हमारी रोड डैमेज ना हो, जैसे वो जो रोड डैमेज हुई है तो इनको फिर से फिल अप करना पड़ेगा। कच्ची नाली बनाएंगे तो विभाग बना सकता है, वो आपस में तो लड़ेंगे, कर नहीं पाएंगे वही विभाग। तो अब ये तो क्या है, देखो प्रॉपर प्लानिंग का हर जगह का व्यक्तिगत तौर पर एडजस्टमेंट है, हर जगह जरूरत भी नहीं है, जैसे यहाँ जरूरत ही नहीं है घरों में विशेष तौर पर, यहाँ बस्तियाँ होती है नहीं, इसलिए पीएमजेएसवाई बस्तियों में ज्यादातर जगह कंक्रीट रोड करते हैं। हाँ पर वही तो नहीं समझ आ रहा, इसमें इसमें मात्र 200 मीटर का अधिकतम इन्होंने लिया हुआ है, 400 मीटर लिया हुआ। अच्छा कंक्रीट रोड तो वो समस्या खत्म हो रही है, पहले जब पुराने जमाने में जब नहीं करते थे तो समस्या बहुत थी, अब धीरे 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 कंक्रीट की तरफ शिफ्ट हो रहे तो वो प्रॉब्लम हल हो रही है। बिल्कुल कंक्रीट तो बहुत सारी रोडें बन रही है, आपकी ये वाली नेशनल हाईवे बन गई, ये वाली कंक्रीट इलाहाबाद चाक घाट से बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। Thank you.
खड़े नहीं हो सकते, तकलीफ है तो उनको खुद काम कर रहे थोड़ा सा छाया में ले लेते तो अच्छा रहता है। पेड़ की छाया देखता हूँ, मैंने आज आपको टोटल लीडरशिप इज गिवन टू यू। मालपुरा वो फ्लेक्स है जीएसबी का, हाँ है सर, हाँ तो छान के लगाओ।